सो हेलो फ्रेंड, चलिए यार फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारी यूनिट 9 जो हम पॉलिटिकल साइंस UGC पेपर 2 का पढ़ रहे थे, उसका कंटिन्यूएशन है। चलिए फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो उनका जो बेसिक क्वेश्चन रहा है वो ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें हैं जो एक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं, और फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। उनको बेस्ट ना उनको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के लिए जाना जाता है, जिसे हम 2 फैक्टर थ्योरी भी कह देते हैं। ओके, मेजर वर्क कौन कौन से हैं? का पहला मेजर वर्क है मोटिवेशन ऑफ वर्क, 1959 में, वर्क एंड नेचर ऑफ मैन, 1966, ऐसे वन मोर टाइम हाउ डू यू मोटिवेट एम्प्लॉयज, 1900। तो ये फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के कुछ महत्वपूर्ण वर्क थे। चलिए मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी को देख लेते हैं। तो उनका मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 फैक्टर हैं जो एक वर्कर को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से? हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर। तो फॉर एग्जांपल एक टीचर, तो अगर स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज हैं, एक टीचर को सैलरी मिल रही है, अदर बेनिफिट्स हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटीज हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से वो सेटिस्फाई है, तो ये हाइजीन फैक्टर के अंतर्गत आता है। अगर एक व्यक्ति एक टीचर है, इसको बेसिक फैसिलिटीज स्कूल में मिल रही हैं, उसको सैलरी अच्छे से मिल रही है टाइम टू टाइम, और कुछ अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, प्रमोशन और वगैरह, तो ये काइंड ऑफ हाइजीन फैक्टर। और जो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन होता है उसके वर्क के लिए, तो एक टीचर का वर्क बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन उसको एक टीचर को मिलती है वो मोटिवेशन फैक्टर होता है। चलिए हाइजीन फैक्टर को अच्छे समझते हैं। तो दीज फैक्टर आर इंट्रिंसिक टू वर्क, तो ये किसी भी वर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क कंडीशन, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्क कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो चीज़ें आपको मोटिवेट नहीं करेंगी। तो वर्क कंडीशन बहुत ज़रूरी है, ये हाइजीन फैक्टर के अंतर्गत आएगा। कंपनी की पॉलिसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा बर्ताव रहता है, सुपरविजन कितने लेवल पे है, कितना हार्ड है या सॉफ्ट है, सैलरी या अदर बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस जो एम्प्लॉय को मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी, तो ये भी काइंड ऑफ हाइजीन फैक्टर के अंतर्गत ही आएगा। तो इनको इन फैक्टर्स को डिससेटिस्फायर या मेंटेनेंस फैक्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर ऐसे हैं जो डिसअफेक्शन को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी। तो अगर वर्क कंडीशन अच्छी नहीं होगी, कंपनी में जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, सैलरी और अदर बेनिफिट्स टाइम टाइम पे नहीं मिलेंगे, तो ये काइंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन ला देगा। तो ये सब कंडीशन ज़रूरी हैं जिसके माध्यम से एक एम्प्लॉय के अंदर डिससेटिस्फेक्शन ना हो। बट दीज फैक्टर डू नॉट लीड टू पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन, बट देयर अब्सेंस कैन क्रिएट डिससेटिस्फेक्शन। तो इन फैक्टर के होने से कोई पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हमारे सोल का एनरिचमेंट हो रहा है ना, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये चीज़ें ना हो, फॉर एग्जाम्पल जॉब कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको सैलरी टाइम टाइम पे नहीं मिल रही है, तो ये आपको डिससेटिस्फाई जरूर कर सकते हैं, पर ये आपको किसी तरह से पॉजिटिवली सेटिस्फाई नहीं करेंगी। केवल और केवल इन जो जो हाइजीन फैक्टर हैं वो केवल आपके आपको डिससेटिस्फाई होने से रोकते हैं। तो अगर हाइजीन फैक्टर नहीं होंगे तो डिससेटिस्फेक्शन आएगी।
लेकिन इनकी जो प्रेजेंस है, दे आर प्रेजेंस क्रिएट नो डिससेटिस्फेक्शन, और इनकी जो प्रेजेंस होती है तो उससे डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता, और अगर ये अब्सेंस रहे तो डिससेटिस्फेक्शन हो जाए। तो इनका जो अब्सेंस है वो डिससेटिस्फेक्शन लाएगा एजेंट फैक्टर का, जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, सैलरी आपको साइन साइन पर नहीं मिलेगी, तो काइंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन आएगा। अगर ये प्रेजेंट है तो आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, है ना, मतलब आपको पॉजिटिव डिससेटिस्फेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन भी नहीं हो। हमको ना ऑलवेज रिमेम्बर क्या कि अपोजिट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन इज नॉट सेटिस्फेक्शन। अगर हम डिससेटिस्फाई हैं, डिससेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेटिस्फाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिस्टम ऑफ लिया तो हम आपके काम से डिससेटिस्फाई नहीं, उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सेटिस्फाई हो जाए। हो सकता है हम 90 मार्क्स की, 90% की सोच रहे हो, तो और जो डिससेटिस्फेक्शन का अपोजिट होता है वो नो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो डिससेटिस्फेक्शन का अपोजिट क्या होगा कि सेटिस्फेक्शन नहीं, डिससेटिस्फेक्शन का ये अपोजिट नहीं होगा कि आप सेटिस्फाई हैं। चलिए मोटिवेशन फैक्टर को देख लेते हैं। तो दिस फैक्टर आर इंट्रेंसिक, मानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या है मोटिवेशन फैक्टर, मोटिवेशनल फैक्टर? वो है रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट। तो आपको समाज में पहचाने जाने का रिस्पेक्ट की चाहत होती है, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की काइंड ऑफ नीड होती है, मोटिवेशन होता है जिसके कारण आप काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, तो काइंड ऑफ लैडर में ऊपर बढ़ते जाते हैं, और वर्क इटसेल्फ। ये सब चीज़ें क्या है, किसी भी वर्क के लिए इंट्रेंसिक है और मोटिवेशन फैक्टर का काम करती है। मोटिवेशन फैक्टर मैं फैक्टर्स प्रोवाइड पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन, दे आर कॉल्ड सेटिस्फायर। तो जो मोटिवेशन फैक्टर होते हैं वो पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इन्हें सेटिस्फायर कहा जाता है। तो दिस फैक्टर मोटिवेट एम्प्लॉयज फॉर अ ग्रेटर परफॉर्म, और ये जो फैक्टर हैं एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता रहे, और ये जो फैक्टर हैं ये जॉब के परफॉर्मेंस से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। तो देयर प्रेजेंस, अगर इनका प्रेजेंस है तो सेटिस्फेक्शन आता है, और अगर ये अब्सेंस है तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो अगर ये अब्सेंस है तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और अगर ये प्रेजेंस है तो सेटिस्फेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर कि द अपोजिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज नॉट डिससेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन का अपोजिट नॉट डिससेटिस्फेक्शन नहीं है, और इसी प्रकार सेटिस्फेक्शन है उसका अपोजिट नो सेटिस्फेक्शन नहीं। चलिए मोटिवेशन फैक्टर में, तो मोटिवेशन फैक्टर कौन कौन से हो? तो मोटिवेशन फैक्टर में आपको या तो सेटिस्फेक्शन होगा या आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाइजीन फैक्टर में आप काइंड ऑफ नो डिससेटिस्फेक्शन से गुजर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेसिक कंडीशन वर्क की पूरी हो रही तो आप डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, और या फिर डिससेटिस्फेक्शन होगा। तो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू डिस्टिंक्ट ह्यूमन नीड्स। जो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है वो ह्यूमन नीड की दो विशेष जरूरतों के आधार पर बनती है। एक तो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, तो इट इज द नीड टू अवॉइड पेन, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड डिस्कम्फर्ट। तो ये साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, एक काइंड ऑफ नीड होती है जो पेन को अवॉइड करना चाहती है, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को अवॉइड करना चाहती है, और
डिस्कम्फर्ट को भी अवॉइड करना चाहती है। और ये जो नीड्स हैं ये हाइजीन फैक्टर के द्वारा सेटिस्फाई हो जाती है। फिर दूसरी होती है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं ये पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सेल्फ फुलफिलमेंट से रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है। और ये जो नीड्स हैं ये मोटिवेशन फैक्टर से सेटिस्फाई होती है। तो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द रिसर्च कंडक्टेड बाय हर्ज़बर्ग। तो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी थी वो हर्ज़बर्ग के द्वारा एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी, उसके उस पर आधारित थी। तो हर्ज़बर्ग सर्वेड अबाउट 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स। तो हर्ज़बर्ग ने लगभग 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स को का सर्वे किया। दीज इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स बिलोंग टू 9 डिफरेंट कंपनीज लोकेटेड नियर द टाउन ऑफ पिट्सबर्ग इन USA। और ये जो इंजीनियर और अकाउंटेंट थे ये 9 अलग अलग कंपनियों से रिलेटेड थे जो USA के एक पिट्सबर्ग प्रोविंस से वहाँ पर स्थित थे। तो उन पार्टिसिपेंट से यह पूछा गया कि आप रिकॉल करिए, क्या रिकॉल करिए, अपना बेस्ट एक्सपीरियंस, अपना बेस्ट एक्सपीरियंस है ना, सबसे अच्छा अनुभव अपने वर्क लाइफ का, और या कि वो कब मतलब बहुत अच्छा फील किए थे। तो अपने बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस के बारे में है ना पूछा गया एक एम्प्लॉय के कि आपने सबसे अच्छा कब महसूस किया, और उनसे ये भी पूछा गया आपने सबसे बेकार कब महसूस किया। तो उन्होंने अपने जीवन में सबसे बेकार कब महसूस किया, तो दो चीज़ों के बारे में पूछा गया कि याद है ना, पहला कि आपने सबसे अच्छा कब महसूस किया और दूसरा आपने सबसे बेकार कब महसूस किया। और ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ दिस पार्टिसिपेंट्स हर्ज़बर्ग डेवलप हिज थ्योरी। और जो हर्ज़बर्ग ने अपनी थ्योरी डेवलप की वो जो एम्प्लॉयज थे जिनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे है ना, या तो सबसे अच्छा आपने कब महसूस किया या कब से कब बुरा कब महसूस किया, उनके जो रिस्पॉन्स थे उनका एनालिसिस करके हर्ज़बर्ग ने अपनी मोटिवेशन हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी दी थी। तो एक छोटा सा जॉब एनरिचमेंट का कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम हाइजीन फैक्टर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रोवाइड मोटिवेशन फैक्टर। तो हाइजीन फैक्टर माने बेसिक इम्यूनिटीज, जॉब कंडीशन है ना, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, सैलरी अच्छी से मिल रही है। तो इसके अलावा ज़रूरी है कि आपको मोटिवेशन फैक्टर है ना रहे, जिससे आपके हायर नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो जॉब एनरिचमेंट इंक्लूड्स द टेक्निक बाय विच मैनेजमेंट कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। तो जॉब एनरिचमेंट उन टेक्निक्स से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, जो मैनेजमेंट ला सकता है जिसके माध्यम से एम्प्लॉयज़ के जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज किया जा सके। जॉब शुड हैव सफिशियंट चैलेंज टू यूटिलाइज द फुल एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। तो जॉब इतनी चैलेंजिंग होनी चाहिए, इतनी मतलब सफिशियंट चैलेंजिंग होनी चाहिए कि वह एक एम्प्लॉय के फुल पोटेंशियल को एंड आप यूटिलाइज कर सके। वर्टिकल जॉब लोडिंग क्या है? तो वर्टिकल जॉब लोडिंग मीन्स गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू द वर्कर्स टू ग्रो इन द एग्जिस्टिंग जॉब। तो अगर आप वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो जिस जॉब में है, फॉर एग्जाम्पल वो अभी वर्कर्स की कैटेगरी में, तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनेजर की कुर्सी तक पहुँच सकते हैं, तो इसे वर्टिकल जॉब लोडिंग कहा जाता है। और है ना जॉब एनरिचमेंट के लिए, जॉब में ग्रोथ के लिए ये जरूरी है, वर्टिकल क्या जरूरी है, वर्टिकल जॉब लोडिंग। जो वर्टिकल जॉब लोडिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग से अलग होती है। हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग का क्या मतलब होता है? इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वर्क एट एग्जिस्टिंग लेवल। तो अगर आप एक वर्कर से जो सुपरवाइजर की कैटेगरी में है, सुपरवाइजर के लेवल पे है, तो अगर आपने उसके काम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है ना,
काम के वर्क को आपने ये डिपार्टमेंट संभाल लो, ये संभाल, ये भी संभाल लो, ये संभाल, तो उसे हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग कहते हैं। लेकिन आपने इसे सुपरवाइजर से जैसे मैनेजर बना दिया तो काइंड ऑफ ये जॉब पर्टिकल जॉब इंटरेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले सीरीज में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।